आपको याद होगा जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया तब सबसे पहले भारत तुर्की की मदद के लिए सामने आया। तुर्की पाकिस्तान का करीबी है और उसने पाकिस्तान के कहने पर ही कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए और साजिशें रची। हालांकि बीती बातों को भूल भारत ने मानवता के नाम पर तुर्की के कठिन समय में उसका साथ दिया, लेकिन तुर्की ने फिर एक बार अपना वही पुराना रंग दिखा दिया है और पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। तुर्की ने फिर एक बार भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को जायज ठहराने की कोशिश की है। उसने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत पर आरोप लगाया है कि भारत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ कोई बड़ा बयान दिया हो या फिर कोई साजिश रची हो। 2019 में पीएम मोदी का तुर्की दौरा होना था, लेकिन कश्मीर पर भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में दिए गए बयान की वजह से पीएम मोदी ने अपना तुर्की दौरा रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, बीते सालों में भारत के खिलाफ उठाए कदमों की वजह से पीएम मोदी एक बार भी तुर्की नहीं गए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति 2016 और 2018 में दो बार भारत आ चुके हैं। हालांकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव हुए, चाहे वो कश्मीर हो या तुर्की। भारत ने कश्मीर में न केवल विदेशी साजिशों को नाकाम किया, बल्कि अब कश्मीर में पाकिस्तान की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है। बीते दिनों कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने भी करारा जवाब दिया और UNHRC में भारत की प्रतिनिधिमंडल सीमा पुजारी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक है, पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में चाहे कश्मीर को लेकर कितने भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की असलियत वहां की आम जनता बयां कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और खुद को भारत में शामिल करने की बात कह रहे हैं। India Today Conclave 2023, New Delhi. Listen to Prime Minister Narendra Modi.